शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस ने 8 अगस्त 2018 को 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। 8 अगस्त 2013 को रिलीज हुई इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी थे। फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है और अभी तक पद्मावत के बाद दीपिका के करियर की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है। भले ही दीपिका के करियर की ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक हो, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में मीनालोचिनी उर्फ मीनाम्मा के किरदार के लिए वे रोहित शेट्टी की पहली पसंद नहीं थी। रोहित करीना कपूर के साथ यह फिल्म बनाना चाहते थे, जिनके साथ वे गोलमाल रिटर्न्स में काम कर चुके थे। हालांकि करीना उस वक्त तलाश में बिजी थी, इसलिए ये फिल्म दीपिका के खाते में चली गई थी। फिल्म को ज्यादातर ऊटी में शूट किया जाना था, लेकिन शाहरुख को लगा कि ये मुंबई से काफी दूर है, इसलिए पंचगनी के पास मौजूद वाई में हिल स्टेशन का सेट लगाया गया। यहां 40 दिन शूटिंग हुई और सेट बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शाहरुख ने तय किया था कि उनकी हर फिल्म में पहले लीड एक्ट्रेस का नाम क्रेडिट में आएगा और उसके बाद हीरो का। इसी वजह से चेन्नई एक्सप्रेस के क्रेडिट में दीपिका का नाम पहले और शाहरुख का नाम बाद में आता है। रोहित शेट्टी फिल्म का नाम पहले रेडी स्टेडी पो रखना चाहते थे और वे चेन्नई एक्सप्रेस नाम पर ओके नहीं थे, लेकिन शाहरुख दीपिका के ट्रेन वाले सीन को देखते हुए और फिल्म की थीम साउथ की होने की वजह से वे इसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस रखने पर राजी हो गए। दरअसल उनका मानना था कि चेन्नई एक्सप्रेस से बेहतर 4 अन्य पाकिस्तानी फिल्में थीं जिन्हें ज्यादा अटेंशन और स्क्रीन टाइम दिए जाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस को पाकिस्तान में रिलीज करने से इनकार कर दिया था। फिल्म को एक दिन बाद यानी 9 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसने वीकेंड में वहां 1.8 करोड़ रुपए कमा लिए थे।